गुड मॉर्निंग। एसएससी सीएचएसएल 2018 सभी भाग्यशाली कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में स्वागत है। भाग्य सचमुच आपका साथ दे रहा है और 2020 आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा लेकर आने वाला है। एसएससी के इतिहास में शायद ही कोई बैच इतना लकी रहा होगा जितना कि सीएचएसएल 2018 का बैच होगा। आपका टीयर टू का एग्ज़ाम ऐसे समय पर हुआ है और टीयर टू का रिज़ल्ट ऐसे समय पर आएगा और स्किल टेस्ट और टाइपिंग के लिए आपको ऐसे समय पर कॉल किया जाएगा कि अगर आपने स्किल टेस्ट या टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। आप पूछेंगे कैसे, तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। लेकिन फिर वही पुरानी बात कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आपके मन में प्रबल जिज्ञासा होगी कि आखिरकार 2018 सीएचएसएल का बैच इतना लकी कैसे है। देखिए, आपने 29 सितंबर को डिस्क्रिप्टिव का पेपर दिया, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया और उसका रिजल्ट आने से पहले ही 15 नवंबर को सीजीएल 2017 का रिजल्ट आ गया। सीजीएल 2017 और सीजीएल 2017 में 8125 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया। आज एम्प्लॉयमेंट के जो हालात हैं उसमें आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी कैंडिडेट कोई भी कंपटीशन नहीं छोड़ता है जिसके लिए वो एलिजिबल है। जब आपके फॉर्म भरे गए थे तो सीजीएल 2017 का रिज़ल्ट नहीं आया था, तो निश्चित ही इन 8125 कैंडिडेट्स ने भी सीएचएसएल 2018 में अप्लाई किया होगा और निश्चित रूप से टीयर वन और टीयर टू की परीक्षाएं भी दी होंगी और अच्छे मार्क्स भी पाए होंगे क्योंकि वो सीजीएल के कैंडिडेट्स थे। तो निश्चित रूप से अब ये 8125 कैंडिडेट सीएचएसएल 2018 के लिए फाइट नहीं करेंगे बल्कि और बेटर जॉब के लिए, बेटर पोस्ट के लिए ट्राई करेंगे। दूसरी बात, सीएचएसएल 2017 का रिजल्ट जो है वो भी 20 दिसंबर 2019 को आने वाला है, सीएचएसएल 2017, और इसमें भी 6000 कैंडिडेट्स जो हैं इनका सिलेक्शन होना है। तो 100% ये जो 6000 कैंडिडेट्स 2017 में सेलेक्ट हो जाएंगे ये सीएचएसएल 2018 के लिए फाइट नहीं करेंगे बल्कि ज्वाइनिंग लेकर के और बेटर जॉब के लिए प्रयास करेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि लगभग 14000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अब सीएचएसएल 2018 के लिए कतई फाइट नहीं करेंगे। तो अब बचा क्या फिर? आपके लिए तो फाइट बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल इजी हो गई। अगर आप स्किल टेस्ट या टाइप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो 100% नौकरी हाथ में है आपके। और मैं तो कहता हूं स्थिति ये होने वाली है कि शायद कैंडिडेट्स ना मिले ढूंढने से जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई किए हैं। वजह बताऊं, मैं आपको 2016 की बात कर बताता हूं। सीएचएसएल 2016 डीईओ के कुल पद थे 500, डीईओ के 500 पद थे और 500 पद के अगेंस्ट कुल 222 कैंडिडेट्स मिल पाए जिनका सिलेक्शन हुआ। मतलब 222 कैंडिडेट्स ही ऐसे मिल पाए जिन्होंने स्किल टेस्ट को क्वालिफाई किया, बाकी पद रिक्त रह गए। तो सोचिए कि शायद ये स्थिति 2018 में ना आए, इसलिए आप 100% जो है
पूरे जोर शोर से स्किल टेस्ट और टाइप टेस्ट के लिए लग जाइए। अगर आप स्किल टेस्ट और टाइप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो 100% श्योर है कि जॉब आपको मिलनी ही मिलनी है। तो आइए अब आप एक अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए ये 2018 टीयर 1 की कट ऑफ आपके सामने है और जो DEO की पद हैं उसके लिए अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई है 165.93 गई है और 445 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है 2017 में, ये 2018 में टीयर 2 के लिए। मतलब 2018 में टीयर 2 के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के 445 कैंडिडेट अवेलेबल हो पाए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ DEO। 2017 की जो कट ऑफ गई है टीयर 2 की वह गई है 227 और टीयर 2 की कट ऑफ 227 गई है। DEO की जो वैकेंसी थी 2017 में वो थी 41 और 2018 में जो DEO की पद हैं वो कुल पद हैं 54। तो इस लिहाज से कट ऑफ जो है वो 227 से कम ही होनी चाहिए, लेकिन चूंकि टीयर 1 की कट ऑफ ही इतना ज़्यादा गई है तो टीयर 2 की कट ऑफ 2018 की 227 तो नहीं जाएगी। हाँ, जहाँ तक मेरा आकलन है कि अनरिजर्व के लिए DEO पोस्ट के लिए जो कट ऑफ है वो 230 से 235 के बीच में रहने वाली है। अगर 230 से 235 के बीच में आपके मार्क्स टीयर 2 के बाद हैं तो 100% आप कॉल किए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि CHSL में जो DEO की पोस्ट है वो सबसे प्रेस्टीजियस पोस्ट है, सबसे अच्छी पोस्ट है और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, क्यों आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। पहली चीज़, आपकी जो पोस्टिंग है वो जो है दिल्ली जैसे महानगर में हो रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो रही है जो कि देश की राजधानी है, और पोस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से DEO की पोस्ट CAG कार्यालय में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहली चीज़। दूसरा जो आपको इसका बेनिफिट सबसे बड़ा है DEO पोस्ट का वो ये है कि आप दिल्ली में पोस्टिंग के दौरान CGL बेटर पोस्ट हैं, इवन PCS और IAS की भी आप तैयारी वहाँ पर रहते हुए अपनी पोस्टिंग के दौरान कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में कंप्यूटर्स के लिए पढ़ा बहुत ही अच्छा माहौल है। आप सोचिए कि जब देश से दूर दूर से बच्चे दिल्ली के प्रतिष्ठित कोचिंग्स में तैयारी करने के लिए जाते हैं तो आप तो दिल्ली में ही रहेंगे, इससे इससे बेहतर चांस आपको नहीं मिलने वाला है। तो आइए अब OBC की बात कर लेते हैं। OBC की जो कट ऑफ है टीयर 1 की DEO पोस्ट के लिए वो 161.72 रही है,
161.72 रही है और 672 कैंडिडेट्स अवेलेबल हो पाए हैं। 2017 में ओबीसी की कट ऑफ टीयर टू के लिए 224.5 रही है। तो जहां तक मेरा आकलन है, चूंकि कट ऑफ काफी ज्यादा है ओबीसी की भी, इसलिए 2018 स्किल टेस्ट के लिए जो सेफ मार्क्स हैं ओबीसी के, वो 227 से लेकर के 232 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो यू आर क्वाइट सेफ, आप स्किल टेस्ट के लिए कॉल किए जाएंगे और स्किल टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका सिलेक्शन भी श्योर है। अब एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि 2017 में जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर कुछ बच्चों ने पूछा है, एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट किया है कि आपने अनरिजर्व के लिए कट ऑफ से +8 ऊपर करके कट ऑफ बनाई है, ओबीसी के लिए +12 करके बनाई है और एससी के लिए +14 करके कट ऑफ एक्सपेक्ट की है, ऐसा क्यों किया है, ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कमेंट के द्वारा इसको क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने इस वीडियो में ही इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ। इसकी सिंपल सी वजह है कि आप देखिए कि ओबीसी के बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि अनरिजर्व में क्वालिफाई करते हैं, ऐसे ही एससी के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि अनरिजर्व में क्वालिफाई करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई होगी, क्योंकि जो बच्चे अनरिजर्व के सापेक्ष क्वालिफाई कर रहे हैं, बट नेचुरल है कि इनकी कट ऑफ तो अनरिजर्व के बराबर या उससे ऊपर ही होगी, तो जो बाकी बच्चे बचते हैं उनकी कट ऑफ भी अनरिजर्व से थोड़ा ही नीचे होगी। इसलिए जो है मैंने अनरिजर्व में +8 किया है, ओबीसी में +12 किया है और एससी में +14 किया है। तो अब आइए चलिए एससी एसटी की बात कर लेते हैं। एससी एसटी की कट ऑफ जो है वो डीयू पोस्ट के लिए कितनी रहने वाली है, तो देखिए एससी की जो है कट ऑफ जो गई है 2018 की टीयर वन की, वो 145.52 गई है, 145.52, और 371 कैंडिडेट्स को जो है कॉल किया गया है टीयर टू के लिए। तो पदों को देखते हुए डीयू पोस्ट के लिए एससी की जो कट ऑफ है वो 210 से लेकर के 215 के बीच एक्सपेक्टेड है स्किल टेस्ट के लिए। एसटी की जो कट ऑफ है वो टीयर वन में 136.74 रही है और इस तरह से 2018 टीयर टू के लिए एसटी की कट ऑफ जो है वो 204 से 209 के बीच एक्सपेक्टेड है। अब एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बच्चों ने ये पूछा है कि आखिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व के लगभग बराबर क्यों होती है। तो सीधी सी बात है कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं वह भी अनरिजर्व कैटेगरी से ही आते हैं और वो इक्वली टैलेंटेड हैं, तो चूंकि 10% में जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं और काफ़ी सारे टैलेंटेड कैंडिडेट्स आ जाते हैं, तो इसलिए जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ होती है वह भी अनरिजर्व की कट ऑफ के लगभग बराबर ही होती है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति बनती है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अनरिजर्व को भी
क्रॉस कर जाती है या अनरिजर्व से भी ज़्यादा हो जाती है। तो अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो देखिए टीयर वन में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो टीयर वन में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो गई थी वो 163.75 गई थी, और इसके आधार पर जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एक्सपेक्टेड बनती है फॉर टीयर टू और फॉर स्किल टेस्ट वह बनती है 228 से लेकर के 233। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आई होप आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगी। चूंकि इस वीडियो का कलेवर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है इसलिए इस वीडियो में मैं केवल DEO की बात करूंगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूंगा। अगले वीडियो में मैं जो अदर पोस्टें हैं जैसे कि LDC, PA/SA, इन पदों की कट ऑफ के बारे में एक्सपेक्टेशन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।